सो फ्रेंड्स, आज की अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इमेज के उस पार्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको हम बैकग्राउंड से अलग करना चाहते हैं। अब इस पिक्चर में इस गर्ल को हमने सेलेक्ट करेंगे ताकि इसको हम बैकग्राउंड से अलग कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन का टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट है W, या फिर आप क्विक सिलेक्शन को या लेफ्ट साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम अपनी इमेज को बहुत ही अच्छे से और केयरफुली सिलेक्ट करेंगे कि सिर्फ ये इमेज जो हमें इस बैकग्राउंड से अलग करनी है यही सिलेक्ट हो, ना कि दूसरा पीछे का बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, पर आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से हर एक चीज़ को डिटेल में जाकर सेलेक्ट करें और क्लियरली फिनिश करें ताकि अच्छे से अच्छी आउटपुट आपको एंड में मिल सके। देन अपनी इमेज को सेलेक्ट करके आप जूम करके जिसका शॉर्टकट है Z, इससे देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो अच्छे से सेलेक्ट हो गई है या नहीं। अब मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट को सिलेक्ट करना नहीं चाहता, और वैसे अगर इसको मैं सिलेक्ट करके देखूँ तो ये इमेज बाकी मुझे ठीक ही लग रही है, पर मैं यहाँ से इस पार्ट को थोड़ा सा सिलेक्शन ठीक करना चाहूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वापस W हिट करके मुझे क्विक सिलेक्शन का टूल लेकर आना है, और उसके बाद मैं ऑप्शन की हिट करके इसको डी सेलेक्ट करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं कि ये ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा मोस्टली इस केस की वजह से भी होता है, क्योंकि बहुत ही एक माइनर छोटे से एरिया को यहाँ पे हमें ठीक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से वापस वैल्यू को भी कम ज़्यादा करके इसको इजीली हम अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये थोड़ी प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ बन रही है, क्योंकि मैंने वहाँ से उसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको ठीक कर चुका हूँ, और आप भी अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करें तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज करके कम या ज़्यादा करके इसके साइज़ को ठीक कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट के अंदर जाकर सेलेक्ट मास्क को ओपन करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर व्यू मोड में इसके जाकर ऑन ब्लैक को सेलेक्ट करना है। अब इससे क्या होगा कि हमें देखिए क्लियरली पता चल पा रहा है कि क्या सीन और इस सेलेक्शन में चेंजेस हमें करने हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एजेस आ रही हैं इनको ठीक करने के लिए हम रिफाइन एज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, जिसका शॉर्टकट है R, और उसके बाद हम अपने सीन की एजेस पे इसको कवर करेंगे ताकि हमें आगे और अच्छी आउटपुट मिल सके। और देखिए किस तरह से एजेस को थोड़ा स्मूथ कर रहा है, और डेफिनेटली आगे हमें दूसरे बैकग्राउंड में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए अगेन मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ, बट आपको ये सही से करना है, क्योंकि जितनी अच्छी आप क्लियरिटी यहाँ पर इसको देंगे उतनी ही अच्छी आउटपुट आपको एंड में मिलेगी। देन ये सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एज डिटेक्शन के ऑप्शंस को ओपन करना है और स्मार्ट रेडियस को टिक कर देना है। इसके बाद आप इस रेडियस की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहां अगर मैं इसको थोड़ा सेट करने का ट्राई करूं तो आई गेस इतना ही ठीक है। देन उसके बाद आपको ये जो बाकी सेटिंग्स आ रही हैं, स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी आप अपने अकॉर्डिंग
एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट इमेजेस पे डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा और अलग अलग तरीके से मैटर करेगा। तो जहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा सूट करे आप अपने अकॉर्डिंग इसको वैसे ही सेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स को आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आउटपुट सेटिंग्स में जाएंगे और फिर डीकंटेमिनेट कलर्स को अगेन टिक करेंगे। उसके बाद मेक श्योर कि न्यू लेयर विद लेयर मास्क की सेलेक्ट हो और ओके कर देंगे, जिससे हमारी एक नई लेयर यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो हमारी लेयर है ये एक तरह से रेडी है। और देखिए यहाँ कुछ कुछ ये जो दिख रहा है इसका ही आपको ध्यान रखना है जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे हों। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट टूल को हिट करके जिसका शॉर्टकट है वी, इस लेयर को मैं यहाँ से अपनी उस इमेज में शिफ्ट कर दूंगा जहाँ पे मुझे चाहिए इसको नया बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ मैं अपनी इस इमेज को शिफ्ट कर दिया है। अब अगेन आप इसको इसमें लाकर कंट्रोल टी से और सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए यहां पर वो सारी चीजें जो ट्रांसपेरेंट लेयर में यहां पे हमें दिख रही थी वो यहां पर इतना नहीं पता चल रही हैं, पर फिर भी जितना बेस्ट आप शुरू से खुद को एक हैबिट में रखेंगे अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी तरह से इसको पूरा फिनिश करने के लिए, वही आपको एंड तक काम आएगी। तो अब यहाँ पर इस इमेज को हम सेट कर चुके हैं, साइज आप इसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी न्यू लेयर लेके जो बैकग्राउंड आपको चाहिए यहाँ पे आप कर सकते थे। देन इसको फर्दर एनहेंस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फिल्टर में जाकर ब्लर गैलरी में जाकर टिल्ट शिफ्ट दे सकते हैं। पर इससे पहले हम बैकग्राउंड की लेयर को कॉपी कर देंगे कंट्रोल जे से। अब इस लेयर पे जाकर हम सेलेक्ट में जाकर फिल्टर में जाकर ब्लर गैलरी में जाकर टिल्ट शिफ्ट दे देंगे। और देखिए इससे थोड़ा जो बैकग्राउंड है ये ब्लर हो गया है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन ग्रिड्स को भी सिलेक्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और ये आप फिनिश करके हाई क्वालिटी को क्लिक करना ज़रूर याद रखिएगा, देन ओके करना है, जिससे आपकी एक अच्छी हाई क्वालिटी आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इमेज, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड्स और अलग अलग ओकेजन्स की जो पिक्स आपकी क्लिक होंगी उनमें लाइटिंग की बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ठीक जा रहा है, बट स्टिल इसको आप और एनहेंस कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में कर्व्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कर्व से आप अब ये बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लेयर यहाँ पर बैकग्राउंड पर सिलेक्ट कर रखी है। अगर अपनी इमेज को आपने चेंज करना है तो आप अगेन इमेज में जाकर एडजस्टमेंट मोड में जाएंगे और कर्व्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी इमेज की आप लाइटिंग और बाकी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमेज में जाकर एडजस्टमेंट आके ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट को भी सिलेक्ट करके अपनी इमेज को और एनहेंस कर सकते हैं, चाहे वो पीछे का बैकग्राउंड हो या फिर आपकी अपनी पर्टिकुलर इमेज हो। इसके बाद इसी तरह से आप अलग अलग इमेजेस के अकॉर्डिंग अपनी इस इमेज को और एनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां से डॉज या बर्न टूल लेके, देखिए डॉज टूल लेके आप अपनी जैसे अपने स्किन को या किसी पार्ट को हाईलाइट करना है तो आप डॉज के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये एरिया, पर्टिकुलर एरिया ब्राइट हो रहा है। और सेम वे में अगर आप डॉज की जगह बर्न टूल लेंगे तो ये एरिया डार्क होगा, या पर्टिकुलर जिस भी एरिया पे आप करेंगे
तो इन टूल्स की हेल्प से आप अपनी इमेज को और एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड को यूज़ करके आप अपनी इमेज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होगी। और फिर भी अगर इसमें आपकी कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू से पूछ सकते हैं। थैंक यू।